हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग जो है अभी डीप नॉलेज लेने वाले हैं एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। सो बेसिकली ये एल्गो ट्रेडिंग सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो है आपको मैं जो है बताऊंगा आपको कि कैसे जो है आप प्रोग्राम कर सकते हो एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप रहेगा, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में सब कुछ सिखाने बैठूं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। आप खुद ही जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसे, बहुत ही जो है यूज़फुल है। इसके रिगार्डिंग जो है डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो वेब पे अवेलेबल है, और यूट्यूब में और भी सारे वीडियोस है। बेसिकली आप वहाँ से भी जो है सीख सकते हो, ये वीडियो से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सो इसीलिए जो है वीडियो का ड्यूरेशन जो है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट रहेगा। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बेसिक्स नॉलेज लेना चाहते हो तो मेरे ये वीडियो के अगले जो वीडियोज़ है उसे भी देख सकते हो आप। तो बेसिकली जो वीडियो मैं कंटिन्यू बना रहा था वो था आपका एल्गो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो एल्गो ट्रेडिंग जो है मैं यूज़ करने के लिए जो है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा। ठीक है, वैसे तो जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे हो गया MT4 और हो गया आपका एमी ब्रोकर। ये जो है बेसिकली बहुत ही जो है ट्रस्टेड है, वाइडली यूज्ड है। डॉक्यूमेंटेशन जो है इसके बहुत सारे यूट्यूब में और आपके जो है वेब में अवेलेबल है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू का जो है एक बेसिक जस्ट फंडा ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो है आपके जो जो और भी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शंस है। बेसिकली ये वो सब फ्री नहीं होंगे, जैसे ट्रेडिंग व्यू फ्री है, कुछ लिमिट तक फ्री है, आप सिग्नल वगैरह जो है जनरेट कर सकते हो उस लेवल तक फ्री है, लेकिन जो है ये प्लेटफॉर्म फ्री है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू पे जाने के लिए हम लोग बेसिकली ये google.com सर्च वेबसाइट पे जाते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ट्रेडिंग व्यू। सो ये जो रहा ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड है, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू है तो उसे लॉगिन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप वर्क करने वाले हो उसे सेव करने के लिए जो है लॉगिन करना जरूरी है। अगर आप सेव नहीं करते हो, अपने लॉगिन नहीं करते हो, तो वर्क जो है आपका वो सेव नहीं रहेगा। वो आप जब भी ब्राउजर को क्लोज कर दोगे तो वो जो है अनचेंज होके वो डिस्कार्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। सो आप बेसिकली जो है लॉगिन करके करो। तो इसके बाद जो है आप ये चार्ट के प्लेटफॉर्म में आइए। मेरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ लगे हुए हैं, मैं उसे जो है रिमूव कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन से। सो ये जो है क्लीन हो गया, ये यहाँ पे एक लाइन है, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। देखो मैं भी जो है फ्री में हूँ, फ्री यूजर में हूँ ट्रेडिंग व्यू का। सो ये आपका यूज करने के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन की जो है जरूरत नहीं है, आप फ्री में भी यूज कर सकते हो इजीली। तो अभी जो है मैं ये जो देख रहे हो ये डैशबोर्ड है, प्लेन डैशबोर्ड है। अभी हमें जो है अगर एल्गो ट्रेडिंग करना है इस पे, तो इस पे जो है हमें देखो अगर हम लोग सॉरी यहाँ पे जो है आपका जाओगे इंडिकेटर ये ऑप्शन में, आप अगर जो है यहाँ पे सर्च करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे ऑलरेडी प्री डिफाइंड। ठीक है, तो आप वो प्री डिफाइंड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो है खुद का स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्ड कर सकते हो, खुद का इंडिकेटर्स बना सकते हो। जैसे RSI एक इंडिकेटर है, वैसे आप जो है हम लोग नॉर्मली प्लॉट करते हैं, वो जो है आप कोडिंग कोडिंग करके भी जो है प्लॉट कर सकते हो अपने ये चैटिंग डैशबोर्ड पे। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे जो है हमारे जो कैंडल्स बन रहे हैं, ये जो कैंडल्स बन रहे हैं जो प्लॉट हो रहे हैं कैंडल्स, ये हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं आवरली और 2 आवर्स 3 आवर्स करके। तो मैं आवर 1 को जो है एज अ डिफॉल्ट सेलेक्ट करके रखता हूँ। तो हमें जो है ये कोडिंग यूज़ करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे पाइंट एडिटर में। सो यहाँ पे कुछ भी अगर हो तो यहाँ पे मैं करके नया कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है ऑप्शंस है। ठीक है, ओपन में क्लिक करते हैं। अगर प्री डिफाइंड पहले से अगर मेरा कोई इंडिकेटर लगा हुआ है तो वहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आ गया। अगर जो है मुझे नया से करना है तो यहाँ पे जो है न्यू ब्लैंक इंडिकेटर, ब्लैंक स्ट्रैटेजी, और ये जो है लाइब्रेरी जो है हम लोग लगा सकते हैं नया से। ठीक है, सो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस क्या है वो बताना चाहता हूँ। इंडिकेटर मतलब जो है ये सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब सपोज आप एक बेसिक से एग्जांपल जो अभी वाइडली सब कोई न्यूज़ चैनल पे यूट्यूब के वीडियोस में बताते हैं कि अगर 200 डेज
का जो ये मूविंग एवरेज है 200 डेज का, ये जो मूविंग एवरेज है, सपोज ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे अगर आपका 50 डेज मूविंग एवरेज इसे अगर क्रॉस करता है तो जो है बाय करना चाहिए। ठीक, तो ये जा रहा बेसिक सा एक स्ट्रैटेजी है जो वाइडली पॉपुलर है। सो ये स्ट्रैटेजी आप मैनुअली अगर चेक करना चाहो नेकेड आइस से तो आपको टाइम लगेगा, राइट। लेकिन अगर आप क्रिएट करना चाहते हो क्या कि आपको जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज को जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करे, सो आपके स्क्रीन पे जो है एक आइकन बन जाए या एक सिग्नल जनरेट हो जो आप देख के समझ के जो है आप उस पर जो है ट्रेड ले सकते हो, इधर बाय साइड और सेल साइड। ओके, सो ये रहा इंडिकेटर का काम। और उसके बाद अगर स्ट्रैटेजी के बारे में बोलता हूँ तो सेम एग्जांपल से ही बताना चाहता हूँ कि 200 डेज मूविंग एवरेज सपोज ये है और 50 डेज मूविंग एवरेज अगर उसे क्रॉस करता है, ओके, सो उस पॉइंट पे अगर अगर आप सेल या बाय का पोजीशन लेते हो, राइट, सो वो जो है एग्जीक्यूट होगा, बाय का ऑप्शन एग्जीक्यूट होगा। होने के बाद आप जो है कितने बार ये जो स्ट्रैटेजी जो है 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज जब भी क्रॉस करता है वो उस पर अगर आप बाय करते हो तो वो स्ट्रैटेजी जो बनता है पर्टिकुलर वो टेक महिंद्रा पे कितना एफिशिएंटली काम करता है, मतलब पोजीशन लेने के बाद वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो आपका जो है पूरा चार्ट का जो हिस्ट्री है 5 ईयर्स 10 ईयर्स या 1 ईयर वो स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकता है ये स्ट्रैटेजी प्लॉट से। और जितने भी बैक टेस्ट होंगे वो हमें जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्टर में मिलेगा। ओके, सो ये बेसिकली यही काम करता है। फाइन, सो ये बेसिक स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। ओके, सो उसके लिए पहले जो है हम लोग यहाँ पे ब्लैंक इंडिकेटर से काम स्टार्ट करते हैं। सपोज ये ब्लैंक इंडिकेटर हो गया, अभी जो है हम लोग पाइन स्क्रिप्ट के जो है वर्जन 5 पे काम कर रहे हैं, इसे जो है हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, ये बहुत ही क्रूशियल है, इसे हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो है आप देख सकते हो फॉरवर्ड स्लैश जो 2 लगे हुए हैं ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो वो समझने के लिए हमें कोड को हम लोग ये कमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग कभी अगर बाय का पोजीशन ले तो ये कमेंट्स दे दे कि हाँ दिस इज बाय स्ट्रैटेजी, या सेल का पोजीशन ले तो कह सकते हैं कि दिस इज सेल स्ट्रैटेजी। सो ये कमेंट में जो है हमें यूजफुल होता है ये पहले से जो है टाइप करने से। सो ये पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, जब पॉइंट्स की स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1 से स्टार्ट हुआ था, अभी इसका वर्जन जो है 5 तक आ गया है और कोई कोई इंडिकेटर जो है 4 भी यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ज़्यादा चेंजेस नहीं है वेरिएबल्स में और इनबिल्ट फंक्शंस में जो है कुछ चेंजेस है इसमें। सो हमें अगर ये इंडिकेटर करना है तो हमें जो है टाइप करना है ये इंडिकेटर। सो इंडिकेटर अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंटैक्स में क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडिकेटर अगर टाइप करते हैं तो। ओके, सो 1 बाय 1 बेसिक से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे समझने के लिए। सो पहले ये देख रहे हो आप क्या है माई स्क्रिप्ट, बेसिकली ये टाइटल है स्क्रिप्ट का। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं प्रैक्टिकल। ओके, सो ये क्या प्लॉट कर रहा है, सपोज हम लोग जो है ना कुछ भी प्लॉट करने के लिए इस चार्ट पे, ठीक है, हमें यूज़ करना होता है प्लॉट फंक्शन। ओके, अगर हम लोग ये प्लॉट फंक्शन के बाद हम लोग क्लोज को जो है प्लॉट करेंगे, मतलब ये कैंडल जो बन रहे हैं ये कैंडल के क्लोज जो हो रहा है उसे जो है हमें प्लॉट करना है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है हम लोग ऐड टू चार्ट पे क्लिक करते हैं। सो आप सेपरेटली जो है एक विंडो में देख सकते हो कि ये जो है इसे रिप्लिकेट कर रहा है और यहाँ पे जो है ना इसका क्लोजिंग जो है बन रहा है ग्राफिकली। ओके, सो अगर हमें ये सेपरेट विंडो में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये हमारे जो है कैंडल्स के साथ चले, सो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हमें जो है अभी जो है ऐड टू कार्ट। दोनों डिलीट कर दिया, फिर ऐड टू कार्ट। और ये वाला जो है हमें डिलीट करना होगा। सो बेसिकली आप देख सकते हो अगर मैं जूम करता हूँ, देखो कि यहाँ पे जो है एक लाइन चल रहा है इसका बराबर, राइट। सो हमने जो है प्लॉट कर दिया इसका क्लोजिंग, देखो इसका ओपनिंग यहाँ पे था, क्लोजिंग यहाँ पे था, लाइन प्लॉट किया है, राइट। सो हम जो है इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं प्लॉट का। सो हमें अगर कलर चेंज करना है तो हमें करना है कलर, बाय डिफॉल्ट ब्लू लेता है हर टाइम, ठीक है। अगर हमें कलर चेंज करना है तो ये कलर लिखना है हमें, उसके बाद सपोज हमें ब्लैक करना है तो ये विजिबल होता है,
ओके सेव में क्लिक किया, सो ये देखो कि ये ब्लैक हो गया। हमने क्या किया, क्लोज को जो है प्लॉट किया यहाँ पे। बेसिकली हमें जो हम लोग जो है यहाँ पे क्लोज, ओपन, हाई, लो, ये सभी जो है हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। सपोज हम लोग जो है ओपन को प्लॉट करते हैं, ओपन ये इनबिल्ट वेरिएबल है जो इसे ले रहा है। देखो अगर इनबिल्ट करता हूँ तो फिर देख रहे हो यहाँ पे क्लोज हुआ था, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ था कैंडल, यहाँ पे क्लोज हुआ था, सो ये ओपन के ऊपर चला गया प्लॉटिंग। ओके सो ये था बेसिक। ओके सो हम लोग जो है अभी ईए में, मतलब हम लोग जो टाइप करते हैं ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज, राइट, सो वो जो है हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे इस पे। वो कैसे प्लॉट करते हैं, हम लोग जो है ये ओवरले ट्रू करते हैं क्योंकि हमें जो कुछ भी चाहिए हमें चार्ट पे होना चाहिए। हमने ओवरले को ट्रू किया है, फाइन। हमें जो है अगर सपोज ई एम ए चाहिए, ई एम ए फाइव फाइव मूविंग डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का चाहिए हमें, ठीक है। ई एम ए हमें जो है यहाँ पे इनपुट लिख दिया, अभी इनपुट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो है मुझे फाइव डेज का चाहिए, करेक्ट। उसके बाद हमें अगर एस एम ए लेना है, एस एम ए सपोज फिफ्टी फिफ्टी एस एम ए लेना है, राइट, हमें यहाँ पे इनपुट करना है। ओके अभी फॉर्मूला है इसे पुट करने का, फाइन। हमें अगर जो है ये वेरिएबल्स है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फास्ट ई एम ए वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, फिर हमें जो है यहाँ पे लिखना है ई एम ए के लिए कॉल करने के लिए, ई एम ए, राइट, आई एम सॉरी ये तो वर्जन फाइव है तो यहाँ पे टी ए डॉट ई एम ए, ठीक, फाइन। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे क्लोज के ऊपर प्लॉट करना है ई एम ए को, ठीक है, और अभी जो है हमें फास्ट ई एम ए मतलब नंबर फाइव का जो है इनपुट हमें लेना है। ओके इनपुट हो गया, यहाँ पे जो है हमें स्लो ई एम ए लेना है, सो बेसिकली यहाँ पे सेम प्रोसेस है, सॉरी हमें जो है एस एम ए लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज, करेक्ट। सिंपल मूविंग एवरेज ले लिया मैंने, यहाँ पे जो है हमें क्लोज को प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ से जो है लेंथ को जो है मैं ले रहा हूँ। लेंथ क्या है इसका, लेंथ है आपका सॉरी यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, लेंथ जो है मैं ये में वेरिएबल को कॉल करूँगा तो वो जो है बैक करके वहाँ पे उसका वैल्यू पे चला आएगा। ओके हमें जो है यहाँ पे एस एम ए फाइन, हमें ये जो आ गया। ओके मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो है एक ई एम ए प्लॉट किया, एक सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट किया, फिर जो है मैंने उसका फंक्शन दे के जो है इसे बनाया, ठीक है। अभी जो है मेरे चार्ट पे वो दिखना चाहिए, प्लॉट फंक्शन यूज होता है कुछ भी प्लॉट करने के लिए स्क्रीन पे। बेसिकली यहाँ पे मैंने प्लॉट करना चाहता हूँ मेरा फास्ट ई एम ए, इसे जो है हम प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। प्लॉट करने के लिए जो वेरिएबल है उसको देंगे, ओके फिर बेसिक जो था मैंने सिखाया था कलर्स, अगर प्लॉट करना है सपोज फाइव को हम लोग जो है रेड कलर करना चाहते हैं, कलर डॉट रेड, ओके और प्लॉट और स्लो ई एम ए, इसको अगर प्लॉट करना है, अगर इसको जो है हम लोग करेंगे ग्रीन कलर, फाइन। हम लोग जो है यहाँ पे सेव करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे दो ई एम ए आ गए, फर्स्ट है आपका रेड ई एम ए और यहाँ पे जो है ग्रीन ई एम ए। आप स्क्रिप्ट पे जाते हो पाइन एडिटर पे, फाइव का वैल्यू मैंने दिया था रेड, राइट, ये है रेड और ग्रीन था आपका स्लो मूविंग एवरेज 50 डेज का। बेसिकली प्राइस जो है ट्रेंड कर रहा है, इस पे जो है ट्रेंड कर रहा है प्राइस। इसी तरह जो है हम लोग सिंपली प्लॉट, मैंने एक सिंपल जो है एक प्लॉट किया है मूविंग एवरेज, लेकिन जो है हमें पहले बेसिक को समझना पड़ेगा, अगर हम लोग बेसिक नहीं समझते हैं तो फिर नहीं कर सकते हैं काम। बेसिक सा ये रहा, बेसिक तो ये रहा। सपोज हमें जो है, मैंने यहाँ पे इनपुट क्यों लिया, मैंने तो डायरेक्ट भी ले सकता था वैल्यूज, राइट, मैंने इनपुट इसलिए लिया कि मैं यहाँ से जो है देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। सपोज हमें ई एम ए 10 चाहिए, सपोज ई एम ए हमें 10 लेना है और यहाँ पे आपको जो है ई एम ए 50 के जगह 100 लेना है और यहाँ पे प्लॉट कर देना है, देख रहे हो ये हो गया 10 और ये हो गया 100। इनपुट अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो सेटिंग से जो है हम लोग ये जो है चेंज कर सकते हैं अपना इनपुट जो है वो, इस पे जो है हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं।
ये वीडियो में जो है हम लोग सीखा कैसे ईएमआई को प्लॉट करते हैं, ये एक बेसिक था राइट, लेकिन बेसिक तो सीखना पड़ेगा हमें, अगर बेसिक नहीं सीखते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, करेक्ट। सो ये बेसिक वीडियो है, आप इसे जो है लर्न करो, इसे कैसे प्लॉट करते हैं, इसे कोड को समझो, और अगर आपको जो है और भी रेफरेंस वीडियो जो रेफरेंस चाहिए ना, तो फिर आप कर सकते हो ना यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन। देखो यहाँ पे वर्जन 4, वर्जन 5 सभी जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्सेस ये क्या है, सीरीज क्या है, ये सब जो है आप यहाँ से भी जो है सीख सकते हो राइट। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो आप जो है जितना सीखोगे उतना अच्छा जो है आप काम कर सकते हो ये प्लेटफॉर्म पे। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पाइन स्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा और भी एडवांस्ड होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।